लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। मेरे साथ शमशाद पिथौरागढ़िया जुड़ चुके हैं। शमशाद पिथौरागढ़िया जो है एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट कलाकार हैं, ऐपण की साड़ियां बनाते हैं। इनकी दी हुई साड़ी अब आज जो है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत जी आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देंगे। ये सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है और जैसे मुझे खबर मिली मैंने तुरंत शमशाद को फोन किया। शमशाद मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शमशाद बहुत बहुत स्वागत है आपका K24 न्यूज में। जी नमस्कार, धन्यवाद और जय देवभूमि जय उत्तराखंड। शमशाद भाई, ये आपके लिए भी बहुत बड़ा और गौरव का क्षण है क्योंकि महामहिम आप के हाथ की साड़ी उनको दिया जाएगा और जैसे कि खबर मिली है कि आपकी बनाई हुई साड़ी वहां देहरादून तक पहुंच गई है तो कुछ ही समय बाद उनको साड़ी दी जाएगी महामहिम को। कैसा लग रहा है और ये साड़ी कैसे बनाई, डिटेल से बताएं हमारे दर्शकों को। जी बहुत गर्व होता है और उत्तराखंड की संस्कृति पे, जैसे पूरे उत्तराखंड के लोग मुझे जानते हैं कि ऐपण पे मैंने बहुत सारा काम किया है और अब तक मेरा ये भी रिकॉर्ड रहा है कि मैंने 300 चीजों पे, उत्तराखंड की अलग अलग चीजों पे मैंने ऐपण बनाई है। तो अब एक नई चीज मैंने शुरुआत करी थी जो इंस्पायर हुआ था, मैं आशीष चौहान जी DM पिथौरागढ़ जो पूर्व रह चुके हैं इस वक्त वो पौड़ी गढ़वाल के, तो उनसे मुझे साड़ी बनाने का वो मिला और मैंने कई साड़ियां उनके लिए भी उस समय उनकी संस्था ईजा थी ऐपण उसके लिए बनाई। और अभी 3-4 दिन पहले मुझे भी पता चला कि महामहिम राष्ट्रपति जी देहरादून दौरे पे 2 दिन के लिए हैं जी। तो मुझे योगेश तिवारी जी हैं एक उत्तराखंड के ही, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि शमशाद अपनी साड़ियां हम राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं तो लखनऊ से आप क्या पॉसिबल हो पाएगा 2-3 साड़ियां। तो मैंने लाल रंग की और सफेद साड़ियां वहां भेजी अपने हाथ की बनी हुई जी। तो अब वो पल आ गया है, मुझे भी अभी पता चला है इस बारे में कि आज वो साड़ियां दी जाएंगी वहां से। बिल्कुल, जैसे कि शमशाद महामहिम ज्यादातर सफेद साड़ियां पहनती हैं तो ऐसे में आपने एक रेड साड़ी दी बता रहे, एक व्हाइट साड़ी दी, तो ये बनाने में कितना समय लगा आपको बनाने में और यह पहले से प्लानिंग चल रही थी या आनन-फानन में बनाना पड़ा आपको? इससे पहले तो जैसे मेरे से कॉटन में मैंने सफेद साड़ियों पे ऐपण डिजाइन की हुई थी, वैसे खासकर ऐपण तो हमारी लाल पे ही सफेद से बनता है, लेकिन राष्ट्रपति जी के लिए पहले ही भी मेरे पास ऑर्डर आ चुका था आशीष चौहान जी की तरफ से, तो मैंने राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के लिए 2 साड़ियां हाथ से तैयार करी थी। शायद वो अब तक पहुंच नहीं पाई है या मुझे अभी डिटेल नहीं पता है जी। बाकी अभी ये वाला भी मुझे आनन-फानन में ही पता चला है, बनाई हुई मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने वो भेज दी है। लाल साड़ी है और इसमें सफेद है, अब मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, फोटो वगैरह या मेरे पास मौजूद हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा जी। और मैं 2 दिन अभी देहरादून में ही था, मैं आज ही लखनऊ वापस भी आ गया हूँ, अगर मुझे पूरी डिटेल पता होती तो मैं शायद रुक भी जाता वहाँ पे। नहीं, ये कितना गर्व होता है कि एक पिथौरागढ़ से आप नाता रखते हैं और पिथौरागढ़ से एक कलाकार को, कलाकार आप छोटे लेवल के नहीं है बड़े लेवल के कलाकार हैं, सीधा राष्ट्रपति आपकी बनाई हुई साड़ी पहनेंगी और दिल्ली वो साड़ी लेकर जाएंगी। मुझे लगता है कि जब महामहिम साड़ी को देखेंगी तो बड़ी प्रशंसा भी करेंगी, तारीफ भी होगी आपकी, तो ये पल आपके लिए कितना भावुक और सुखद होगा जब ये साड़ी में आप महामहिम को देखेंगे? आज मुझे मतलब ये लगता है ना कि थोड़ा सा आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि वाकई में हमने इतने सालों काम किया तो आज उसकी सफलता मिल रही है और आज उसका हम लोगों को फल मिल रहा है जी। और जरूरी नहीं है आर्थिक पैसे या सम्मान मेडल ट्रॉफी से हो, आपकी कोई चीज है अगर किसी सम्मानित व्यक्ति को और देश की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति नागरिक होती है उनको जब मिल रही है तो मुझे भी गर्व हो रहा है। और सबसे शुक्रिया अदा तो मैं न्यूज रिपोर्टर वालों का करूंगा और जितने भी हमारे उत्तराखंड के प्रेमी हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, सपोर्ट करा, और खासकर पिथौरागढ़ के न्यूज चैनल चाहे वो K24, आप लोग भी वहीं से बिलोंग है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। गर्व तो होता ही है, खैर हम लोग आप डिजर्विंग है शमशाद भाई, आप डिजर्विंग है क्योंकि आपकी कला है वाकई में एक जरिया है, न्यूज चैनलों का कहूं मैं या फिर अखबार का कहूं, एक जरिया है, माध्यम है और आपका काम सराहनीय है। लगातार आप उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और कई अवार्ड सम्मानियों से आप सम्मानित किए गए हैं और आज एक बड़ी उपलब्धि, मैं कहूंगा कि आपके जीवन में सबसे बड़ा, इससे बड़ा अवार्ड हो नहीं सकता। तो आपके परिजनों को जब ये खबर मिलेगी और आप अपने परिजनों को बोलेंगे कि मेरी बनाई हुई साड़ी अब महामहिम पहनेंगी, क्या उनका आपके प्रति क्या भाव होगा?
हाँ, अब मैं इस बात का तो खैर मुझे दुख होगा कि मेरे परिजन में अभिभावक मेरे माता पिता दोनों ही नहीं है जिनको मैं अपनी ये खुशियां बताऊं। बाकी जब तक वो लोग जीवित थे तब तक उनको बड़ी खुशी भी होती थी कि मैं उत्तराखंड के कल्चर पे काम कर रहा हूँ और मुझे अवार्ड, नाम, मान सम्मान भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। दुखद बस इसी बात का है कि मेरी माता जी मेरे साथ इस वक्त नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। बाकी मैं काम आखिरी सांस तक भी, मैंने कहा है कि जब मैंने जन्म उत्तराखंड में लिया है, मैंने सीखा वहीं पे, मुझे उत्तराखंड की संस्कृति से प्रेम है, तो मैं आखिरी सांस तक भी उत्तराखंड के लिए जीऊंगा और वहीं के लिए कल्चर को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। बाकी अभी मैं 11 तारीख को भोपाल जा रहा हूं और वहां पे मुझे भारत भूषण अवार्ड दिया जा रहा है। कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से एडवांस में ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवार्ड भी मुझे उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए 28 साल से लगातार कार्य करने के लिए ही दिया जा रहा है। जी डॉक्टर आशीष चौहान जो है, जो डीएम पूर्व में रहे हैं पिथौरागढ़ के, आपके कार्य को काफी सराहा है, उन्होंने काफी सराहा है और साथ ही इलांस साड़ी के नाम से उन्होंने एक साड़ी का बहुत बड़ा कारोबार बना रहे थे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हालांकि अब उनका ट्रांसफर हो गया है, क्या उस पर अभी भी कार्य चल रहा है आपका या फिर स्टॉप कर दिया है? मेरा कार्य तो जब से वो सर गए हैं तब से तो स्टॉप हो गया है, लेकिन उन्होंने जब तक थे तब तक साड़ियों का भी कम से कम मैंने 15-20 साड़ियां वहां के लिए अपॉन वाली डिजाइन की और भेजी यहां से लखनऊ से बना के। और वक्त भी, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में पूछा था कितना वक्त लगता है, तो कम से कम एक साड़ी में 3-4 दिन लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हाथ सेट हो जाता है बनाने लगते हैं तो उसको मैं 2 दिन के अंदर भी पूरी कर देता हूँ। 2 दिन का मतलब है 12-12, 16-16 घंटे कंटिन्यू बैठे रहना एक जगह। जी एक बात बताइए समसार भाई कि जो महामहिम को जो साड़ी गई है जी, तो इसकी तो मैं कीमत नहीं कहूंगा क्योंकि अनमूल्य रत्न हो गया, ये एक प्रकार का, अगर ये साड़ी की हम आकलन करें, मूल्यांकन आकलन करें तो मूल्यांकन आकलन हो नहीं सकता इसका क्योंकि अनमोल हो गई ये साड़ी। अगर इसका प्राइस अगर हम जानना चाहेंगे तो महामहिम के ऊपर जो साड़ी आपने बनाया है या फिर नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए जो साड़ी बनाया है उसमें कॉस्टिंग कितनी आ जाती है, आपकी लागत कितनी आ जाती है? हाँ सर, ये चीज तो अब मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ इस पे चैनल पे, वो भी लाइव में, कि मैं उसकी कीमत बताऊँ। कीमत तो खैर अनमोल है, अगर मैं चाहूँ तो, मैं चाहूँ क्या, मेरी तरफ से तो वो एज ए गिफ्ट भी हो जाए तो मेरा ये बड़ा सौभाग्य हुआ कि जिस कल्चर पे मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए आज तक का, समझ लीजिए, पद्म विभूषण और भारत सम्मान, जो भी बड़े बड़े अवार्ड है वो मेरे लिए यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की माता के पास मेरी हाथ की बनी साड़ी चली जाए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास मेरी हाथ की साड़ी पहुंचे, तो यही बड़ा अवार्ड है। कीमत के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा। वैसे इसमें हम लोगों की जो लागत लग जाती है वो कपड़े के हिसाब से है, जैसे 4,000 से स्टार्ट है, 3,000 से स्टार्ट है, 5,000, 10,000, 8,000 तक। जैसे इसमें जॉर्जेट पे है, कॉटन पे, क्रेप पे है, रसगुल्ला क्रेप पे है और शिफॉन पे है, तो हर एक कपड़े के अलग अलग, जैसा जिसका फैब्रिक उसके हिसाब से वैसा रेट। जी नहीं, लेकिन जो चीज, जो डिजाइन आप बनाते हो हैंडमेड होता है, हाथ से उसको आप ड्रॉइंग करते हो तो इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता होगा। जो आप कलर साड़ी में जो कलर आप डालते हैं समसाद भाई, क्या वो कलर साड़ी धोने से धुल जाता है या फिर वो कलर लॉन्ग लाइफ? नहीं, वो फैब्रिक कलर होता है, वो लॉन्ग लाइफ इसलिए होता है कि वो कपड़े के लिए ही कलर बना हुआ होता है फैब्रिक, तो फैब्रिक कलर ही नाम होता है उसका। और वो 72 घंटे बनाने के बाद तो उसको पानी में नहीं डाला जाता, 72 घंटे के बाद आप उसको ड्राईक्लीन कराइए चाहे इसको वॉश करिए, वो चीज कलर नहीं उतरता है। ये जो साड़ी जो आप बनाते हैं, इस साड़ी को आम दिनों में भी पहना जाता है या फिर सिर्फ पूजा पाठ या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम्स इसमें? अब वो पार्टी वगैरह के हिसाब से है कि कोई किसको कल्चर को कितना पसंद कर रहे हैं, तो वो उसको रोजमर्रा में भी बाहर मार्केट के लिए भी पहन सकते हैं, वरना तीज त्योहार, नामकरण हो गया, जनेऊ हो गया, आपका शादी बारात, दिवाली, आपकी होली हो गई, इसमें भी अपन साड़ी पहन सकते हैं। बाकी आपके घर पे कोई भी शादी फंक्शन का कार्य है या आप बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर सारे लोग एपन वाली साड़ी पहने या इससे कोई भी चीज ऐसा उत्तराखंडी संस्कृति कल्चर से करे, तो मेरा मानना तो यही रहता है कि इस पे कल्चर को ज्यादा प्रमोट होता है, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। और इस वक्त का शायद सीएम धामी जी की तरफ से भी मैं सुन रहा था कि राज्य को एकदम नंबर वन लेके जाना आगे, तो हम लोग भी छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड एकदम टॉप में चमके। जी समसाद भाई, एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है और सवाल लाजमी भी है, आप एक अलग मजहब से आते हैं लेकिन आप देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, अच्छी चित्रकला बनाते हैं और आप देवभूमि से तो है ही, आप देवताओं से जुड़े तो है ही हैं, लेकिन आपको कभी किसी ने ये कहा कि आप जिस समाज से आते हैं, जिस कल्चर से आते हैं, कुछ परेशानी आती है कि आपके समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग कुछ बोलते हैं आपको?
कुछ बीच में आई थी प्रॉब्लम, लेकिन जब उनको उन्होंने मतलब ऐसी रोक टोक करी मेरे लिए, तो बीच में जब वो समझ गए कि नहीं ये काम अच्छा है, और ये तो एक किसी को राज्य को और किसी अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, और जिस इंसान ने जिस बच्चे ने वहां पे जन्म लिया है तो हर एक किताब में लिखा हुआ है कि अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को, अपने देश की मिट्टी का कर्ज हम कभी भी नहीं उतार सकते, और वहां के लिए अंतिम सांस का कुछ ना कुछ करते रहना है। मेरा भी यही चीज है, मैं जब ओम बनाता हूँ, स्वास्तिक बनाता हूँ, या अपनी ऐपन वाली चीजों पे जो मैं ड्राइंग करता हूँ, उसमें मैं देवी देवताओं की मूर्ति, गणेश हो गए, और हमारी जो भी चीजें हैं मैं उनको ड्रॉ करता हूँ, बनाता हूँ, तो बड़ी एक सम्मानित के साथ में एक पवित्रता के तौर पे मैं उनको बनाता हूँ। और उद्देश्य भी हमारा यही है कि वो देवों की भूमि है, और देवों की भूमि में जब मेरा खुद का जन्म हुआ है तो मैं अपनी जन्मभूमि को कैसे छोड़ सकता हूँ। बहुत ऊंचे विचार हैं आपके, बहुत आपके जो विचार हैं उनको मैं कहता हूँ नमन है, प्रणाम है, क्योंकि उत्तराखंड में आप जन्मे और उत्तराखंड के बारे में आप इतना अच्छा सोचते हैं, और जैसे कि आज द्रौपदी मुर्मू जी को आपके हाथों से बनी हुई साड़ी भी प्रदान की जाएगी, उनको भेंट स्वरूप दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं गर्व के पल आपके लिए भी, पूरे उत्तराखंड के लिए है। K24 न्यूज से बात करने के लिए और इतना अहम समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही निरंतर प्रयास करते रहिए उत्तराखंड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद भाई हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज K24 का। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।